अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाने जा रहे हैं इमली और आलू बुखारा की चटनी, खट्टी मीठी। इसके लिए हमें चाहिए इमली और आलू बुखारा। तो चलिए शुरू करते हैं। इमली और आलू बुखारा दोनों मिक्स करके 250 ग्राम्स ईच, यानी कि आधा किलो हो जाएंगे दोनों मिला के। 2 लीटर पानी में इसको भिगो देंगे। 2 घंटे के लिए भिगा रहने दें। अगर आप ओवरनाइट भिगोएंगे तो फिर ये आसानी हो जाएगी कि गुठली निकाल लेंगे हम पहले। अगर इंस्टेंट बनानी है तो बस फिर 2 लीटर पानी डालेंगे, 2 घंटे के लिए भिगोएंगे और उसके बाद इसको पकने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पर। जब इस तरह ये खूब खोलने लग जाए, पकने लग जाए, तो तकरीबन 5 मिनट तक कम अज़ कम इसको पकने देना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस तरह एक छलनी लें और उसे सारी जो अंदर जितनी गुठलियाँ और जितना इसका पल्प है वो हम निकाल लेंगे बाहर। उसको बाहर निकालेंगे और थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, वो ठंडा हो जाए। फिर उसको मसल के गुठलियाँ सारी बाहर निकाल लेंगे और उसका जो पल्प है वो सेव करके कर लेंगे। और ना रख लियो, वो दोबारा इसी में ऐड करेंगे हम। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून नमक, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे चीनी, चीनी तकरीबन 250 ग्राम्स। अगर आप इसमें गुड़ या शक्कर यानी ब्राउन शुगर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी 250 ग्राम्स ही ऐड करेंगे। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स यानी कुटी लाल मिर्च, वो हमने ऐड की, और जो पल्प रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको हम पकने देंगे, खूब, लेकिन इसको इसके हाल पर नहीं छोड़ना। बीच बीच में इसको हम स्टर करते रहेंगे। ख्याल रखना है इसका, ऐसे ही ख्याल रखना है जैसे अपने बेटों का ख्याल रखते हैं ना, कि थल्ले ही ना लग जाए, बिल्कुल वैसे ही। अब इसे पकते हुए तकरीबन 30-35 मिनट्स हो चुके हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे टाइम हो सकता है। तकरीबन 2 लीटर से 1.5 लीटर तक पानी आ जाए तो समझें कि चटनी तैयार है। अब इसे डिप सॉस के तौर पे यूज़ करें या फिलिंग सॉस के तौर पे। बस ये चटनी बनाएं और अपनी ज़िंदगी का मज़ा बढ़ाएं, क्योंकि ज़िंदगी का मज़ा तो खट्टे में ही है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।